दिल्ली मुंबई में हुई आगजनी की घटनाओं को स्थानीय जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। बुरहानपुर में पिछले दिनों 4 साल बंद कराए गए थे, वहीं अब नेपानगर में भी एसडीएम अजमेर सिंह गौड़ ने नगरपालिका की टीम के साथ मातापुर बाजार पहुंचकर एक मॉल को 3 दिन के लिए बंद करा दिया। एसडीएम अजमेर सिंह गौड़ नगरपालिका सीएमओ देवेंद्र सिंह सिकरवार और टीम के साथ मातापुर बाजार पहुंचे। यहां रूप वर्षा मॉल 5 मंजिला होकर 8,000 वर्ग फीट में निर्मित है। नगरपालिका जनसंपर्क अधिकारी नरेंद्र तवर के अनुसार 2 मंजिलों के आधे भाग में रेजिडेंस भी है। एसडीएम ने टीम के साथ औचक निरीक्षण किया। मॉल में सेफ्टी के साधन उपलब्ध नहीं पाए गए, इस पर एसडीएम ने मॉल 3 दिन के लिए बंद करने को कहा। क्योंकि ये मॉल के स्वरूप में 5 मंजिला इन्होंने 2-3 प्लॉट को मिला करके एक मॉल का स्वरूप दिया हुआ है, जिसमें 5 मंजिल पे इनका कपड़े का व्यवसाय है। और चूँकि ये मॉल के स्वरूप है और इसमें फायर सेफ्टी की जैसी घटनाएं हुई हैं जो अन्य मॉलों में, उनको देखते हुए हमने फायर सेफ्टी के सारे प्रिकॉशन इनके यहाँ चेक किए। तो चूँकि ये इसमें इनका रेजिडेंस भी है, 2 मंजिल में हाफ हाफ पोर्शन में इनका रेजिडेंस भी है, इस कारण से हमने उसको इनका निकास ना बंद हो इसलिए पूर्णतः सील नहीं किया है। किंतु इनको आम पब्लिक पर जब तक फायर सेफ्टी के पूरे नॉर्म्स कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक के लिए आम पब्लिक पर आवागमन पर रोक लगा दिया।